गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जो लोग महर्षि दत्त स्कूल में पढ़ते हैं या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे स्कूल में, महर्षि दत्त स्कूल में इस बार से 9th की क्लास स्टार्ट हो रही है और जिसमें एडमिशन फ्री है। और जो ये वीडियोस आपको मिल रही हैं, आपसे कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी साइंस के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए, साइंस, मैथ और इंग्लिश, इन सब के लिए अलग अलग वीडियोस अलग अलग टीचर के द्वारा दिए जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप MBBS विजिट करिए और 9th क्लास में आपका रजिस्ट्रेशन कराइए और यूट्यूब के थ्रू, चूमैट के थ्रू आप डेली का डेली क्लासेस अपने घर पर बैठ करके ही लेते रहिए, जिससे आपको पढ़ाई का नुकसान ना हो। और गवर्नमेंट के द्वारा और जो आज पूरी दुनिया में ये महामारी है COVID-19, इसके वजह से आप लोगों को स्कूल तक आना मुश्किल है, इसलिए घर पर ही बैठ करके और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप जानकारी ले सकते हैं। तो घर पर रहिए, अपना ख्याल भी रखिए, बाहर ना निकलिए। स्टूडेंट्स, जरूरी है कि आपका कैरियर भी चलता रहे, आपका कैरियर भी बनता रहे, इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस, अच्छे से अच्छे क्लासेस को ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए आपको हमारा इंस्टीट्यूशन MBBS एक बेहतरीन विकल्प है। जो यहाँ के बच्चे हैं या कहीं भी हैं, जो लोग अगर यूट्यूब से जुड़ते हैं उनको जो फ्री वीडियो मिल जाती है, और जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो ऐप के माध्यम से हम लोग डेली का डेली क्लास देते हैं। तो बिल्कुल आप महर्षि स्कूल CBSE बोर्ड स्कूल ही है, इसमें आकर के क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन कराएं। और जो यहाँ मतलब इंटेलिजेंट टीचर के द्वारा, वेल क्वालिफाइड टीचर के द्वारा, वेल ट्रेंड टीचर के द्वारा जो भी क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं, आप उनको पढ़िए और अपने करियर को बनाइए। तो आज हम बेसिकली जो इस वीडियो के माध्यम से आप सबको डिस्कस करने वाले हैं वो 9th क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको सीधे सीधे विषय से जोड़ते हैं, सब्जेक्ट से आपको कोरिलेट कराते हैं, हम बात करें कि व्हाट इज साइंस। आप 6th, 7th, 8th या उससे 24 अगर देखें 1 to 5th पढ़ते चले आ रहे हैं, बट एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साइंस का डिफिनेशन क्या है, आपको साइंस डिफाइन करना है। तो मोस्टली क्या होता है कि बच्चा लोग इसको, स्टूडेंट लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाता, लेकिन बहुत ही इजी है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि द नॉलेज विच वी गेट आफ्टर एक्सपेरिमेंट कॉल्ड साइंस। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, द नॉलेज विच वी गेट आफ्टर एक्सपेरिमेंट कॉल्ड साइंस। वह ज्ञान जो हमें प्रयोगों के बाद प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे डिफिनेशन है, बट दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट एंड वेरी करेक्ट डिफिनेशन। अब अगर आप साइंस को देखें तो साइंस में बहुत सारा ब्रांच होता है, बट नाउ इन क्लास 9th वी स्टडी ओनली अबाउट द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये जो तीनों स्ट्रीम्स है साइंस का, उसको आपको 9th में पढ़ना है। फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और बायोलॉजी क्या है। अच्छी बात यह है कि आपको NCERT का बुक खरीदना है और उस NCERT में ये तीनों एक साथ मिलेंगे, एक बुक में मिलेंगे, प्रॉपर बुक में एक ही बुक खरीदोगे आप और ये सारा का सारा मटेरियल उसमें मिलेगा। बट जो अलग से टेक्स्ट बुक आते हैं, चाहे वो एशियन पब्लिकेशन की आए, चाहे दिनेश की आए, चाहे प्रदीप की आए, चाहे राज के काइंड ऑफ पब्लिशर्स हैं जो बुक को अपने अपने तरीके से छापते हैं, सिलेबस ही छापते हैं, तो वो लोग अलग से कर देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग कर देते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतर होगा NCERT। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। तो अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीजों को एक साथ रखा गया है। अभी हम बात करते हैं कि फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स में हम क्वांटिटी और यूनिट और अदर जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, जो इस तरह का जो साउंड डिवाइसेस हैं, इन सब को हम अगर देखें तो जो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं उनको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और अभी मैंने बताया कि चाहे वो मैग्नेटिज्म हो,
और वही है केमिस्ट्री। हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि केमिस्ट्री में हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। अब एटम फाइनली एटम से एलिमेंट मॉलिक्यूल से एलिमेंट से कंपाउंड और कंपाउंड मिक्सचर। अब इसमें होमो हेट्रो, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर काइंड्स ऑफ पढ़ते जाओगे आप। और सेल के बारे में आपने पढ़ा, यानी बायोलॉजी में आप सेल के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विल बी डील्स द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड सेल। हम ये छोटा छोटा सा एक पॉइंट लिया कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। अगर फिजिक्स में देखें कोई यूनिट पढ़ना है, जैसे क्वांटिटी हो गई लेंथ, तो उसकी यूनिट हो गई मीटर। अगर क्वांटिटी हो गई वो आपका मास, तो फिर यहां हो गया केजी। अगर क्वांटिटी हो गया वॉल्यूम, हो गया मीटर। तो इस तरह से हमको फिजिक्स में तो बेसिकली आप लोगों को पढ़ना है, तो उसमें आपको क्वांटिटी पढ़ना है, उसमें आपको ये उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट भी कई होता है, सीजीएस यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, एमपीएस यूनिट। तो इस तरह से आपको उसमें भी काइंड्स ऑफ चीजें पढ़नी है फिजिक्स में। अब अगर हम बात करें कि होल टू होल आपको साइंस में क्या पढ़ना है, तो आप एट्थ पास आउट करके जाते ही जाते हैं, आप बहुत सारी चीजों को पढ़े रहते हैं। तो नाइन्थ में जो साइंस में पढ़ना, वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन सबको मिला करके आपको एक 80 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना रहता है। और फिर भी आपको इस तरह के स्कूल की ड्यूटी पर मिलता है। तो बेटा आपको एक बुक पढ़ना है एनसीईआरटी की, एक साइंस की बुक आती है, उसमें ये तीन चीजें होती हैं, उनमें इन चीजों को पढ़ना है। अब अगर हम आपसे बात करें कि इन तीनों जो ब्रांचेस हैं, इनसे हमें किसमें हमको ज्यादा इंटरेस्टेड है, किसमें कम इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट आपको हर सब्जेक्ट में बराबर आएगा। फिजिक्स में भी बराबर आएगा, केमिस्ट्री में भी बराबर आएगा, बायोलॉजी में भी बराबर, और हर एक सब्जेक्ट का स्कोप भी है इस। बट यहाँ से जो नाइन्थ में है, याद है आपको एक ही बुक में पढ़ना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए था, हमने आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड रूल्स आपके बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसी वीडियो में आपको बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।